नारस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता। हाँ ये बिल्कुल सच है, जहाँ नारी की पूजा होती है वही देवता बसते हैं। मैं आप सभी का सम्मान करती हूँ, मैं स्पेशल सम्मान करना चाहती हूँ, स्पेशल आदर सम्मित प्रणाम करना चाहती हूँ हमारे माननीय महावीर सर, जिन्होंने एक डायस दिया हम लोगों को, जहाँ भारत के विभिन्न कोनों से महिलाएं जुड़ी हैं और एक जेन्युइन टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो सबसे पहले मैं उस महान व्यक्ति का भी चर्चा करना चाहूंगी जिन्होंने महिलाओं के सम्मान को सर्वोपरि रखा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। खुले में महिलाओं को शौच के लिए नहीं जाना पड़े, इसके लिए उन्होंने स्वस्थ भारत अभियोजना के तहत शौचालयों का निर्माण के लिए बहुत जोर दिया है और आज के टाइम में 6 करोड़ शौचालय का निर्माण हो चुका है। ये एक कदम है ताकि हमारी गांव की महिलाओं को आज के दिन में भी, जहाँ नेट और बैंकिंग इंटरनेट डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वहाँ महिलाएं खुले में शौच के लिए विवश होकर जाती है, तो ये सबसे पहला सार्थक कदम है। दूसरा अभियान उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को समर्थन दिया, क्योंकि 2014 के पहले रेशियो 10:8 था, गर्ल बॉय एंड गर्ल, 10 लड़के पे लड़कियां 8.5 थी, लेकिन आज रेशियो 10:9 है, 10 लड़के पे 9 लड़कियां है। ये दूसरा सार्थक मिशन है। तीसरा उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना जैसी मजबूत का योजना को भी समर्थन दिया और इसके तहत जो गरीब घर की महिलाएं हैं उन्होंने बैंक अकाउंट के लिए थ्रू उनके भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास किया है। अगर आप एक पुत्र को शिक्षित करते हो तो आप एक व्यक्ति विशेष को शिक्षित करते हो, लेकिन अगर आप एक पुत्री को शिक्षित करते हो तो मतलब आप एक पीढ़ी को शिक्षित कर रहे हैं, आप एक जनरेशन को शिक्षित कर रहे हैं। और इस बात को हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अगर आप आज एक बेटी है, कल आप किसी की पत्नी बनती है, परसों किसी की माँ बनेंगी, फिर बहू बनेंगी, तो एक लड़की का चारित्रिक निर्माण में और सांस्कृतिक विरासत देने में हमें दुगनी मेहनत करनी पड़ती है जितना कि एक पुत्र को पालने में। सो इस बात को हम बिल्कुल भी ध्यान में रखें कि चाहे कितने भी मॉडर्न हम हो जाएं, लेकिन हमारी संस्कृति और विरासत कभी भी हमें अपने बच्चों को गलत रूप में प्रेजेंट नहीं करनी चाहिए। और इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने संजय लीला भंसाली की रिसेंटली पद्मावत फिल्म का पुरजोर विरोध किया था, और दूसरी तरफ हम लोगों ने टॉयलेट एक फ्रेम का था और पैडमैन जैसा फिल्मों का समर्थन भी किया, क्योंकि पहली बात तो ये कि पद्मावती फिल्म में उन्होंने महारानी पद्मावती के जौहर को एक तमाशा बनाकर दिखाया, उसमें संजय लीला भंसाली जैसे चीफ डायरेक्टर्स ने एक ड्रीम सीन क्रिएट किया जिसमें खिलजी न पद्मावती का सॉन्ग दिखाया गया। कल होकर अगर हम विरोध नहीं करते आज पद्मावती का, तो कल वो रावण और सीता का भी ड्रीम सीन क्रिएट कर सकता था, तो इसलिए विरोध अति आवश्यक था और ये राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया गया हमारे करनी सेना द्वारा, तो जो एक मील का पत्थर साबित हुआ और हम लोगों ने विजयनगर में 400 कैंसिल करवाया था विरोध करके। दूसरी बात पैडमैन और टॉयलेट एक प्रेम कथा, एक ऐसी फिल्म अक्षय कुमार द्वारा बनाई गई है, वो भी एक फिल्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सच्चे देशभक्त है जिसमें हमारी महिलाओं को महावारी के दौरान कुछ गंदी बीमारियां न लग जाए या उधर उधर कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए, उसको उन्होंने पैडमैन जैसा फिल्मों को समाज में लोगों के सामने एक्सपोज किया, उन्हें भी बहुत सामाजिक प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी, लेकिन फाइनली वो सक्सेस हुए। उसके बाद उन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा के थ्रू ये समाज को संदेश दिया है कि हमारी महिला उस घर में बिल्कुल शादी न करे जिसमें टॉयलेट नहीं हो, तो हमारी विकास हमारे अंदर ही छुपी हुई है। आप अपने अंदर आत्म विश्लेषण करें, क्या आज आप एक बहू है, कल अगर आप सास बनती हो तो क्या आपको उतनी खुशी होती है अगर आपकी बहू एक बेटा की जगह एक बेटी को जन्म देती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हमारी बेटी एक बेटी को जन्म देती है तो हम फिर भी खुश हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारी बहू एक बेटी को जन्म देती हो तो हम 100% खुश बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि यहाँ भी फैक्ट है, ये सिर्फ मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी नहीं है, बड़े बड़े घरों में मैंने देखा है, इवन अमिताभ बच्चन जैसे फिल्म हस्ती में विदेश में जाकर उन्होंने अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाया था ये जानने के लिए कि ऐश्वर्या के घर में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, तो ये बहुत शर्मनाक सोच है, ये मनुवादी सोच पे हमें लगाम लगाना होगा और हमें ये समझना होगा कि नारियों का विकास नारियों के द्वारा ही संभव है, वो तब तक संभव नहीं है कि जब तक एक नारी दूसरे नारी का सहयोग न करे, यदि वो सास के रूप में अपनी बहू को सहयोग नहीं करेगी तो हम कभी भी विकास नहीं कर पाएंगे। आप जो फीलिंग अपनी बेटी के लिए रखते हैं वही फीलिंग अपनी बहू के लिए भी रखें। सुष्मिता
सेन को जब मिस यूनिवर्स का खिताब दिया जा रहा था तो उन्होंने नारी के पूरी चरित्र को सिर्फ तीन शब्दों में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। मतलब उन्होंने जो कहते हैं गागर में सागर भरने का प्रयास, तीन वर्ड उन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया था, शेयरिंग, केयरिंग एंड डेयरिंग। शेयरिंग इन दैट सेंस कि अगर एक महिला खाना बनाती है तो पहले अपने पति, बच्चों, सास ससुर को सर्व करती है और उसकी फेवरेट डिश होती है, फिर भी वो इस बात का ध्यान रखती है कि कहीं कम ना हो जाए, पूरे परिवार को खिलाने के बाद वो खुद के लिए खाना परोसती है। ये शेयरिंग प्रवृत्ति एक महिला में हो सकती है, ये नैसर्गिक गुण सिर्फ महिलाओं को भगवान ने दिया, पुरुषों को नहीं। दूसरा केयरिंग, केयरिंग मीन्स एक नवजात शिशु की केयर माँ जितनी अच्छी कर सकती है पिता नहीं कर सकता, ये दूसरा नैसर्गिक गुण भगवान ने दिया, महिलाओं को दिया। और तीसरा डेयरिंग, डेयरिंग मीन्स जो महिला एक मासूम दिख रही है, जो कोमल दिखती है हिरण की तरह, कल वो जरूरत पड़ने पर अपने पति, परिवार और संतान की रक्षा के लिए दुर्गा या शेरनी का रूप ले सकती है। ये है परिभाषा नारी की, शेयरिंग, केयरिंग एंड डेयरिंग। मैं आज इस शुभ अवसर पर अपने सभी बहनों का स्वागत करना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ यहाँ आने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।